कल तक अगर ये मैटर नहीं निपटा, यही नक्शा तुम्हारे बार का होगा मंगूल मियां। याद रखना। चलो चल। कोशिश करने से कामयाबी मिलती है और हमारी कोशिश कामयाब हो गई। वो कहते हैं कि अपनी सोच बदलने से वो बाजवा, वो खत्री जैसे लोग अपनी सोच बदलने पे मजबूर हो जाते हैं। ग्रेनाइट वाली जमीन के इसके ऑर्डर के लिए आपको लाखों बधाई हो सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके इस स्टे ऑर्डर से बाजवा खत्री को कितना फर्क पड़ेगा? क्या वो इस जमीन को छोड़ेगा? उसके पास कोई चारा है? लोग कहते हैं ये जो आपने किया है ये समाज सेवा नहीं राजनीति है। राजनीति बोलो तो एक सेकंड, सोचो तो एक मिनट, सीख लो तो कुछ दिन, लेकिन राजनीति समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है बेटा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार गलत है? यहाँ ये? यस सर। आपके भाई ने यहाँ जमीन खरीदी? यस सर। कितने में खरीदी? 60 लाख। और अब सरकार उसे कितना दे रही है? 90,000। तो आप बोलिए ये राजनीति है या गुंडागर्दी, ये आप सोचिए। सर तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, पॉलिटिशियंस और डाइपर्स को बदलना चाहिए, नहीं तो गंदगी फैल जाएगी। नमस्कार। नमस्कार। स्कोर क्या है? वही देख रहा था, 187-43 लग गए। आज नहीं जीत पाएंगे, होली भी नहीं खेल रहा है ना। श्योर लग गए, कर पाएंगे। कैप्टनी तो क्या, टीम है पूरी उसकी। वही तो, जब तू अपने आदमियों को भेजकर माजिद को सबक सिखा सकता था तो खुद क्यों गया? मेरे दुश्मन से ज्यादा खबर आपको मेरी है। आयुष, पॉलिटिक्स में एक चीज याद रखना, उछले या ना उछले, कीचड़ जरूर उछलता है। जो गुंडों से लड़ता है वो खुद गुंडा बन जाता है। भाइयों, अब हम इस सभा के मुद्दे पर आते हैं। अश्वधाम, बल्लीपुर और देवनगर के वरिष्ठ अधिनायकों ने यह फैसला किया है कि इस अवधि भी हमेशा की तरह हमारे पंचायत चुनाव में जय प्रकाश जी कुर्सी संभालेंगे। कब तक देवनगर को ऐसे लड़खड़ाते हुए बूढ़े दिशा दिखाएंगे जिनकी ना कोई गारंटी बची है ना कोई वारंटी। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हमारी जाति में बहुमत होने के बावजूद पिछले 25 ईयर्स से हमने आपको अपना पूरा सहयोग दिया और लीडर भी बनाए रखा, लेकिन अब बस। और अब किशन यादव ही यहाँ का वो युवा नेता होगा जो अपनी साफ नियत से गांव का विकास करेगा, और अगर बीच में कोई बोला तो उसे मुंह तोड़। जूता देख, ये जूता तेरे लीडर की नियत से साफ। चलो पच्चीस साल लीडर बनने के बावजूद आज इस गांव में कुछ लोग जात पात के नाम पर आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं ऐसी राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकता। चलो चलो आयुष, चलो आयुष। बाबा बाबा, किशन यादव जिंदाबाद, किशन यादव जिंदाबाद। हे किशन,
बहुत शर्म की बात होगी अगर तुझे ये कुर्सी बिना किसी मुकाबले के मिल जाए। तेरे सामने चुनाव में मैं खड़ा रहूंगा। अगर है दम तो लड़, जीत और फिर ये चश्मा। इसलिए सिविल सर्विस की पढ़ाई की थी। गुंडों के साथ जो लड़ता है वो खुद एक दिन गुंडा बन जाता है। बाबा, हथियार के बदले हथियार उठाना क्या बुरी बात है? तुम चुप रहो। इन्हीं गुंडों से लड़कर कई बार जेल जा चुके हो और अपने साथ एक गुंडा भी लाए हो। इस गांव में राजनीति गंदगी की तरह फैल रही है और इसलिए मैंने इस सिलेक्शन से हाथ धोए हैं। और अब तुम गंदगी है पिताजी, पर वो इसलिए क्योंकि क्योंकि आप जैसे लोग छोड़ रहे हैं और तुम इस गंदगी को साफ करोगे। जो करना ही कर ले। तुम सबकी बीबियां घर में अकेली हैं। मेरे हाथों में शिव ने दम तोड़ा है बाबा, मैं उसे बचा नहीं पाया। शिव, बेटा मुझसे बात करो। शिव, शिव, ये कुमार कैसे हो? शिव बेटा, बेटा शिव, बाबा, शिव,
ये मिस्टर बाजवा खत्री हैं, आदि के फादर। विवान क्या इंट्रोडक्शन करा रहे हो? तुम्हारे पिताजी और मैं एक जमाने में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वहां मैच चल रहा, जाके देखो। बलदेव, वैसे हमारे बच्चे कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छे कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त हैं। काश हम भी हो सकते हैं। मुद्दे पे आइए भाजवा जी। ये क्या मैच वैच नहीं देखता? ये देखता नहीं, खेलता है। चलो मुद्दे पे आता हूं। मेरे माइनिंग वाली जमीन से नजर हटा दो। सर, ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या भीख है? तुम्हारे गरम कुं को फुल टॉक टाइम देके रखा है। देखो बेटा, पंचायत के चपरासी से लेके मिनिस्टर के पीए तक मैंने खिला खिला कर ये गवर्नमेंट ऑर्डर हासिल किया, और तेरे पिताजी ने एक झटके में दिल्ली जाकर इस पे स्टे ऑर्डर ले आया। तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। यहाँ राम राज्य से ज्यादा राम भरोसे चलता है। यहाँ राम नाम सत्य चलता है। बलदेव, 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 इलेक्शन आ रहे हैं। मेरे पैसे डिसाइड कर सकते हैं कि तू जीतेगा या हारेगा। कम ऑन, 4 इलेक्शन जीत चुका हूं तेरे बिना, एक और जीत दूंगा। मैं बहुत अजीब हूं, फल नहीं मिलता है तो पेड़ काट देता हूं, और पेड़ नहीं मिला तो जड़ काट देता हूं। अरे आसमा, आदाब आंटी। आदाब, कितनी खूबसूरत हो गई है। थैंक यू। 6 साल से नहीं देखा तुम्हें। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स। आदाब अंकल। अरे आपको मालूम है गोल्ड मेडलिस्ट है IIM से। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू अंकल। काम कहाँ कर रही हो? फिलहाल तो कहीं नहीं, कुछ ऑफर्स हैं, बट देखते हैं। व्हाई डोंट यू वर्क इन आवर होटल? अगर तुम्हारे लिए छोटा ना हो तो। ऑफ कोर्स नॉट आंटी। जोशी, इनको रॉयल मैनर होटल का मैनेजर बनाओ। सीधा मैनेजर? अभी का मैनेजर मैनेजर कम, डैमेजर ज्यादा है। जी छोटे साहब हैं क्या? कौन छोटे साहब? जी आयुष साहब। तो मेरे डैड बड़े साहब, आयुष छोटे साहब। ताओ मेरे को एक बात बताओ तो, फिर मैं कौन हूँ? बीच में लटकता हुआ पेंडुलम, राइट? जाओ। हाँ बोलो। अच्छा तो निकला कि नहीं एयरपोर्ट के लिए? एयरपोर्ट? तुझे बोला था ना शिवी को लेने एयरपोर्ट जाना है। शिमी? अरे शिमी नहीं बाबा, शिवी। तेरे जीजू के मामा के बुआ के बेटे की बेटी है। बुआ के बेटे की? अच्छा जो भी है वो ड्राइवर ले जा सकता है ना उनको? तेरे को इतनी दूर की रिलेटिव इतनी क्लोज लग रही है। मैं क्या करता हूँ ना, मैं सारे पैसेंजर्स को ले आता हूँ, गाड़ी बड़ी है। बकवास बंद कर। नाइस वर्ड कीप मी अराउंड। अच्छा सुन, माँ को हेलो बोल। हेलो, हेलो। नहीं मुझे बैड नेटवर्क वहाँ पे, कट गया। ट्राई अगेन। लेके आओ अंकल। मालिक, ये पकड़ो। मेम साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। आप समझाएंगी तो हम समझ जाएंगे। These politicians. I'm writing a political thesis. Thesis? Yani? Yani politics mein corruption. Cha. Corruption yani India. Sahi hai. Sab yahi aate hain. Okay.
Shivi, oh my god. I'm good. Thank you. I'm seeing you after such a long time. Like, look at you, so beautiful. How was the journey? It was good. Madam, aapki kareele le aaye hain. Suitcase kaun se kamre mein rakhna hai? Baaki mein kareele le aaye. You know, I was just kidding about it. Anyways, I hope Shivi, tumne apne thesis ke bare mein ise bataya hai. अरे विस्तार में बताया है, नेताओं के करप्ट आंगन में अमन और शांति का जीता जाता विस्फोट है, ये बहुत सही चीज है. Shut up, Ayush. Listen, meet my brother, Ayush. And by the way, he's the best person to help you. He's an upcoming politician. Listen, I'm really sorry. मुझे लगा कि तुम सच में ड्राइवर या नौकर हो. I'm really really sorry. मैंने सही बोला है, नौकर हूँ, ड्राइवर हूँ, सब कुछ हूँ. इस घर का बेसिकली प्यून हूँ. Listen, that's too mean, okay? I love you. Anyway, प्यून से याद आया, आपको हॉस्पिटल जाना है और किसी भी वक्त आपके बच्चे यहाँ से चिल्लाते हुए आने वाले हैं. कहाँ जाना है? आयुष, तुम्हें बधाई. हाय, हाउ आर यू? वेलकम शिवि. थैंक यू, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? पलक, यू आर कमिंग? या या, ऑफ कोर्स. गुड बाय, सी यू गाइस. बाय बाय बाय. कहाँ जाना है? लिसन, आई हैव समथिंग फॉर यू गाइस. व्हाट? पहले पकड़ सकते हो? ताकत है. हाय गाइस. अब बोर्ड पर कौन ले जाएगा? शिवि कौन ले जाएगा? आयुष. अपनी मॉम को बोल दें कि इनविटेशन भेजने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो लोग आएंगे नहीं उनके लिए वेस्ट है. मेरी माँ है बोला, रिश्ते होने से नहीं निभाने से बनते. उस घर में अगर मेरा किसी से भी रिश्ता है तो वो सिर्फ तुमसे है. एंड आई एम क्लियर अबाउट इट. ऑपरेशन के लिए नामक बोलिए प्लीज. और कितना लड़ूंगा अपनी किस्मत से, अपने आप से, जो खोया उसकी कमी से. बलदेव, क्या तुम मेरा बेटा बन सकते हो? हाँ बाबा. जैसे खून की कमी खून ही पूरा करता है, रिश्ते की कमी रिश्ता ही पूरा कर सकता है. बल्कि बहू से शादी करोगे? मेरे खानदान को अपना बना ले, नहीं तो मेरी आंखें बंद हो जाएंगी. लेकिन मारूंगा. गांव में अगर पलक रहेगी तो पुरानी बातें भूल नहीं पाएगी. हमें लखनऊ जाना चाहिए. अरे सर, वल्लभ भाई पटेल जैसे लग रहे हो आप. ए जोशी, क्या बोल रहे हैं? सर का सर ज्यादा मत चला. सर सर है, वल्लभ भाई क्रांतिकारी थे, ये भी काफी क्रांति फैला चुके हैं शहर में. आयुष, आयुष कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा? छोड़िए, 25 साल पहले आपने एक परिवार को जोड़ा था, तो ये सब जो हो रहा है सिर्फ एक तरीका है. मैं आपसे आपको थैंक यू कहना.
देखो शेर शर्मा रहा है। 25 साल हो गए आपकी शादी को, आपको तो अब ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए। धन्यवाद। माँ जल्दी करो, गर्मी में लोगों को दौरे पड़ रहे हैं। मिसेस आ नहीं रही है, लगता है बलदेव जी पसंद नहीं है इन्हें। ये तो 25 साल पहले सोचना चाहिए था। Go get ready. पर मुझे नानी के साथ। आराव, go get ready, जाओ यहाँ से। बाहर जाना है हमें। हफ्ते में एक संडे ही तो मिलता है। We're getting late. और प्लीज ये रोनी सूरत लेकर बार बार यहाँ पर बताया करो। I don't like it. आऊंगी। मैं आऊंगी और तब तक आऊंगी जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैंने क्या बुरा किया है कि तुम मुझे इतनी नफरत करती हो। ओह प्लीज मेरा मुंह मत खुलवाए। पापा को मरे हुए 3 महीने नहीं हुए एंड यू स्लेप्ट विद समवन एल्स। मैंने दूसरी शादी की, किसके लिए की? अगर हमारे लिए की होती तो किसी तीसरे को जन्म नहीं। मैं हमेशा सोचती रही कि एक न एक दिन वो मुझे जरूर समझ लेगी। एक माँ होके भी माँ को नहीं समझ पाएगी। अगर मुझे मालूम होता बच्चे पाने से मैं पहले बच्चे को खो दूंगी तो शायद मैं तीसरे बच्चे को जन्म देती ही नहीं। बाहर अपने बार में पहली बार देखी थी। कौन है छोटे छोटे लोग? सर वो देख रहे हैं, वो जो बैठा हुआ है वो बलदेव प्रताप सिंह का बेटा है, सारे उसी के दोस्त हैं। क्या हुआ इसको? अस्थमा का पेशेंट लग रहा है ना? अरे नहीं सर, वो उसके सारे दोस्त मेडिकल फील्ड में है ना, तो ड्रग्स वर्ग्स एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। नहीं नहीं ये कोई लेटेस्ट वाला एक्सपेरिमेंट होगा सर। देवन ये मेडी है, इसे अपना गैंग ज्वाइन करना। अपना गैंग इतना फेमस हो गया क्या? हाँ रूल्स पता है? हाँ पता है, 30 सेकंड बिना आवाज के पिटना और मैं रेडी हूँ। तेरी ना दूध पीने की उम्र है, बियर नहीं पीते, ठीक है? चल चल। पूरा खानदान लखनऊ के बिगड़े नवाब आए क्या?
एक भाई बार जलाने का धमकी देता, दूसरा आके हल्ला मचाता। माजिद मकबूल की हट्टी ना, तेरे जैसे छछुंदर का कन खोल देगा मैं। दीदा भाड़ के क्या देखते हैं, दोनों हेडलाइट अब तोड़ देगा मैं। हैं? क्या हुआ, डाउट है सेंटर में लगी कि नहीं? हाँ, अरे भाई ये साहब ने फ्लोर गीला कर दिया, कोई आके साफ करो। और बड़े भाई ने क्या बोला था? शुभ काम में देरी किस? क्या सोच के जलाया तूने? बहुत बड़ा गुड्डा है तू। बाबा स्टॉप इट, बादशाह को मैंने भेजा था। मैंने भेजा था बादशाह, बेकार में उलझ गया। बाहर ये जलाया, मैं जलाऊं, फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है मैं बताता हूँ। ये हर काम सोच के करता है और तू करके भी नहीं सोचता। एक हफ्ता देता हूँ विवान, एक हफ्ता। तू फौरन जा, पढ़ के आ और यहाँ आकर बिजनेस संभाल। You get that? Baba, bas, baba, main samal lunga. Main samal lunga. Baba. Idhar dekh. Kya kya ho gaya tere? Ha? Kya ho gaya? Election sar pe, samjha jaa tu? Ha? Sab daav pe laga dega tu. Munh dho. Sharab ki bu aa rahi hai tere se. बलदेव साहब। हाँ मकबूल। कैसे फोन किया? जितना पॉलिटिक्स में मैंने तुमको पुश किया उतना ही तुमने मेरे को नीचे पुल किया। एक बेटा धमकी देके स्टार्ट करता तो दूसरा बार जलक। मगर मेरे को हौला ना को समझो, इस बार अपना सीट संभाल के। सही हुआ बाबा, माजिद जैसा लोमड़ी हमारे साथ नहीं, हमारे खिलाफ हो तो सही है। फिकर न करें, मैं देख लूंगा। मुझे उस जोकर की फिक्र नहीं है। हर पॉलिटिशियन का बेटा अपने चमचों को लीड करके लीडर बनने की कोशिश करता है। मुझे विवान की फिक्र है। इस घर में अगर मेरे अलावा कोई लीडर बनेगा तो वो सिर्फ तुम हो आयुष। यू बॉर्न फॉर इट। ओके। ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ। आयुष बाबा, हाँ, वो नगर निगम वाले मान नहीं रहे। अच्छा चलो, खिलाना पड़ेगा और क्या। करप्ट पॉलिटिशियंस। एक्सक्यूज मी, कुछ कहा तुमने? नो। शिवी गाड़ी में रहना। कौन हो तुम? सर हमारे लड़के जो हैं आपके ऑफिस के चक्कर काट काट के परेशान हो गए। पंडाल है, उसकी परमिशन चाहिए। देख रहे हो तुम, मैं कितना बिजी हूँ और ये सारी फाइलें चेक करनी है। अभी नहीं, टाइम नहीं मेरे पास। अभी बाद में आना, बाद में जाओ।
सर जाओ जाओ, ये सब बाद में आना, बाद में आना। सर सुनिए, टेबल के नीचे भी तो आप करते हैं। अरे वाह, बहुत होशियार हो तुम तो। अंडर द टेबल और टेबल के ऊपर की मलाई का बराबर ध्यान रखना पड़ता है, तभी काम होता है। वैसे दिखाओ तो सही तुम कितना लाए हो। हाँ तो ये गलत कर रहे हो तुम। देखो तुम ये गवर्नमेंट ऑफिसर के पर हाथ उठा रहे हो तुम। साइन करो। क्या रहे हो, बैठो। शिवी, तुम्हें गाड़ी में वेट करने लिए कहा था। हाँ, एक्चुअली यार मुझे लगा कि तुम यहाँ आके ब्राइब करने वाले थे, सो आई एम सॉरी, आई डिडंट सॉरी। सो यू स्टिल हेट पॉलिटिशियंस? हाँ, नॉट ऑल पॉलिटिशियंस। बियर मंगा दे यार। ऋषि, बियर ले क्या? सर वो आज गांधी जयंती है इसलिए मैम ने मना किया है। बियर तो हम लोग को पीनी है ना। अब बट सर, नई मैनेजर जो आई हैं, उन्होंने टोटली मना किया आज लिकर सर्व करने के लिए। नई मैनेजर? हाँ, कॉल द मैनेजर। मैनेजर, excuse me sir, what's the problem? Get the beer. Sorry sir, aaj hum liquor serve nahi kar rahe hain. So if you're really desperate, you can try elsewhere. You're the new manager, right? Yes sir. Kab join kiya aapne? Sir, ek hafta ho gaya. Just look at that. Haven't you seen that? Yes sir. That's all the more reason हमें policy break नहीं करनी चाहिए। You're fired. Now you go find a job elsewhere, okay? Asma. तुझे पता है वो किसकी बेटी है? अपने बाप की बेटी है। अच्छी है ना? दादा की बेटी है, बादशाह। अभी क्या है ना, आप उसे जाके सॉरी बोलेंगे। भाई प्रॉब्लम क्या है पता है, ये मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, तो उनके सामने ना मुझे इंसल्ट मत करो। और अगर आपको इतना बुरा लग रहा है उसके लिए, तो उसको जाके सॉरी बोल दो ना। हाँ, यू माय गुड ब्रदर। नो इस टेबल पे आने से पहले ये देख लो कि तुम यहां बैठने के लायक हो या नहीं, लायक हो या नहीं। सरोज, I'm sorry, sorry. जो कह रहे हो मीन इट। I'm really very sorry. बादशाह बैठो। बादशाह इस फैमिली का हिस्सा है और आसमा वहां की मैनेजर रहेगी और तुम उसके अंडर काम करोगे, समझे? Yes, Dad. I really want to know where do we stand this month, you know, especially the bangers month. I'll just check. Could you please check? Excuse me. I'm really sorry. I was really rude the other day. So, in fact, this is my true apology. Please accept it. Come on now. I'm sorry. I think it was blown out of proportion.
इनफैक्ट मेरी वजह से तुम्हें अंकल ने कितना सुनाया ना। क्या है ना कि डैड की डांट खाने की आदत हो गई है मेरी, फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी उन्होंने गलत क्या कहा? He asked me to train under a beautiful girl like you. In fact, it's a reward. So tell me, ma'am, where do I start from? Should I start cleaning the table, ma'am? Oh no, come on, are you silly? Come, I'll show you around how it goes from the manager's point of view. Come. Majid Maqbool! Sabha Qabool! Majid Maqbool! Majid Maqbool! Sabha Qabool! Majid Maqbool! Sabha Qabool! मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया? सर ये माजिद के सपोर्टर है, टिकटिंग फॉर टिकट। क्या बात है मजीद भाई, आंख आई है क्या? आंखें तो चेहरे पे तब से आई मियां, जब से पैदा हुआ हूँ। कल नॉमिनेशन का लास्ट दिन है, तुम मेरे को टिकट दे दो। होश में तो हो? मैं तो पूरा होश में हूँ मियां, गिफ्ट लाया हूँ। ये गिफ्ट सिर्फ आपके वास्ते नहीं, पूरा पार्टी के वास्ते है मियां। पार्टी जनरल सेक्रेटरी, पार्टी प्रेसिडेंट, इतना बड़ा स्कैंडल। Just less than a day before, there has been a shocking change in the Malihabad Assembly constituency contesting list. The undefeated four-time winner Baldev Pratap Singh of National People's Party candidate has been replaced by the party youth candidate Mr. Majid Maqbool. The strong floating rumors say that the local mining contractor is behind this due to his differences with Baldev Pratap Singh regarding Malihabad Pratap Singh regarding Malihabad granite land. मुझे समझ भी नहीं आ रहा ऐसा हो कैसे सकता है। ताकतवर लोगों की भी कमजोरियां होती हैं। इस जंगल में एक ना एक लोमड़ी उसका फायदा उठा ही लेती है। We'll have to go independent, Joshi. उनको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। हाँ कत्री, क्या हुआ बेटा? डैडी फोन उठाने के हालत में भी नहीं है। भौंकते हैं कुत्तों के लिए मैं काफी हूँ कत्री। डैडी को तो फोन दो बेटा, जरा दुख जाहिर करना था। दुख अपने लिए रखो, इलेक्शन के बाद काम आएगा। टिकट निकलने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं गया? और जाएगा भी नहीं, वही तो डिफरेंस है। You're right, but be careful. Confidence thrills, लेकिन overconfidence kills. Baba,
आयुष्मान भैया कैसे हैं? मैंने आदमी भेज दिया, वो माजिद बचेगा नहीं। पागल हो क्या? किसने कहा था आदमी भेजने को उसके पीछे? मैंने कहा था, मैंने कहा था ये पूरा प्लान खतरी का है, समझो। वो जानता है अगर हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। वो मकबूल को टिकट देना चाह रहा था। इलेक्शन से पहले कोई कुछ नहीं करेगा, समझ रहे हो? बुलेट मिस्टर स्वाइट लॉगन्स, वी आर लकी ब्लड लॉस ज्यादा नहीं हुआ है। यू डिड अ ग्रेट जॉब, जस्ट टेक केयर ऑफ हिम, आई एम श्योर ही विल बी फाइन। ठीक है दादा, किसने मारा मेरे डैड को? कौन है, कैसे दिया तुम लोगों ने? हाँ, मेरे बाप को बीच सड़क पे कोई गोली मार के चला जाता और तुम लोग क्या कर रहे थे? पता है गलती ना मेरे डैड की कि तुम जैसे बुद्धों को नौकरी पे रखा है? आता क्या है तुम लोगों को? हाँ, दारू पियो, खाना खाओ और बस नारे लगाओ, बलदेव प्रताप सिंह जिंदाबाद, बलदेव प्रताप सिंह जिंदाबाद। देख लिया क्या हुआ? ऐसी है सिक्योरिटी तुम्हारी? जान नहीं है क्या? एक काम करो तुम लोग, रिटायर हो जाओ तुम लोग, चलो निकलो यहां से। विवान बाबा, मैं अपने डैड की सिक्योरिटी संभाल। सजा गए हो, समझ क्या रखा है तुमने? ये जो है ना, शक्ल देखो कायदे से, इनमें से तुम्हें कौन लग रहा है जो सैलरी पे काम करता है? हाँ, कौन लग रहा है? सारे जो है ना, बिना पैसे के काम करते हैं यहाँ पे, समझे विमान साहब? आपके फादर की इज्जत करते हैं, इसलिए जो बुड्ढे है ना, ये जान देने को तैयार है बलदेव प्रताप सिंह के लिए। तुम पूछ रहे थे ना किसने गोली मारी, तुम पूछ रहे थे ना? ये यहाँ कायदे से निकल लूंगा, यही गाड़ देंगे, निकल बाग साले। ये इसके साथ घूम रहे हो तुम, ये गीदड़ के साथ? इसके बाप ने हमारे बाप को मारने की कोशिश की है, तुम्हें पता है? ये सिक्योरिटी देगा? हाँ, ये सिक्योरिटी देगा। इनफ ऑफ योर बड़े भैया का ज्ञान, और ये चिल्ला चिल्ला कर कौन सा हक जताना चाहता है तू? हाँ, जब डैड को गोली लगी थी तू था ना वहां पे? ज्यादा उड़ मत, और ये एक बात ना अपने दिमाग में अच्छे से घुसा कि तू नहीं, मैं हूं बलदेव प्रताप सिंह का असली वारिस, जो उनका पैसा, पावर, पॉलिटिक्स, गद्दी सब संभालेगा, समझा? मेरा दिमाग से बुड्ढा हो गया इवान, इतनी घटिया सोच तेरे जुबान पे फिर से आई ना तो मां कसम मैं। तो क्या आएगी? अच्छा हुआ सब बोल दिया, अच्छा हुआ सब मुंह से निकाल दिया मैंने। अब या तो समझ जाओ या हट जाओ। स्टॉप इट, ये कोई वक्त है झगड़ने का? वन वे की सड़क थी, यू टर्न लेके वापस आ गए।
रियल पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी जड़ी बूटी सहानुभूति। आयुष इस बार मैं सोच रहा हूं कि इलेक्शन तुम लड़ो। आई एम नॉट रेडी बाबा। आप नॉमिनेशन पेपर पे साइन कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जी की गाड़ी अभी देख, नॉमिनेशन को एक घंटा बचा, जाने दे। क्या मांगता तेरे को, क्या मांगता? इधर इधर गोली मार। कितना दिया? मैं डबल देगा, ट्रिपल देगा। इतनी बड़ी बारात लेकर तू नॉमिनेशन ऑफिस तक नहीं पहुंचा? इसने बोला था तुझे ये लास्ट डे लास्ट आवर प्रोसेशन निकालने। सभी बड़ा लीडर ऐसे ही करता है। मेरे को क्या मालूम था कि मैरिज प्रोसेशन में आधे से ज्यादा लोग उसका है। वो ब्लडी फूल मेरे को फूल बनाया। तुझे तो कोई भी फूल ब्लडी फूल बना सकता है। तुम लोग को पता है मैंने इस बेवकूफ पर कितने पैसे लगाए? चल मेरे पैसे वापस कर दे, कर दे। इसके सारे धंधे जब्त कर दो जब तक मेरे पैसे मुझे वापस नहीं मिलते। कैसी बात करते खतरे मियां? रेस के घोड़े पे कोई पैसा लगाता तो क्या रेस हारने के बाद घोड़े से रिफंड लेता क्या? तो घोड़ा नहीं, कदाचार। अरे आयुष बेटा आओ आओ। कैसी है पिताजी की तबीयत? बलदेव ठीक तो है? मैं तो अभी अभी हॉस्पिटल आने वाला था। मारना आसान है खत्री, समझे? गोली डालो और दाग दो। वह गोलियां चलाए थे, यहां भी चल सकती हैं, याद रखना। ये तुमने कांड किया है, शुक्र करो इलेक्शन की वजह से तुम जिंदा हो। और जंग जो है ना, गूदे से जीती जाती है, गोली से नहीं। बलदेव भैया हमका माफ कर दियो। बलदेव भैया वो जनरल सेक्रेटरी हमका कुछ कंफ्यूज कर दिए सा है। अरे आप हो तब हमार पार्टी है ना। फोटो खींचो एक। और आज हम सबके सामने ये बात की घोषणा करता हूँ कि इलेक्शन जीतते ही बलदेव भैया हमारे कैबिनेट में होम मिनिस्टर होंगे। बलदेव भैया एज ए टोकन ऑफ एडवांस, वो जो मजीद मकबड़ा है ना, उनका हमने पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया। आज से हमारी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट होंगे आयुष बलदेव सिंह।
रावल जी मेरी बात तो सुनिए पहले। अरे नहीं 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 भैया, अब हम आपके कुछ नहीं सुनेंगे। अब हमने घोषणा कर दी तो कर दी। ओ भैया, वैसे आपका तो डायलॉग है सीन। अरे आपकी प्रेजेंस ही सीन को ऊंचा उठाई देती है। एक फोटो खींचो भाई। ओ भैया, आप एनर्जी बचाए के रखो इरेक्शन कंपेन के खातिर, ठीक है? और एक बात और, जब तक हम हैं हमारी पार्टी है तब तक हमारा यूथ प्रेसिडेंट कौन रहेगा? और बंदे भैया, हमारे होम मिनिस्टर। ग्रेट जॉब डैड, आपने आयुष का फ्यूचर तो सेट कर दिया। मेरा क्या? तुम्हारा क्या? व्हाट अबाउट माय फ्यूचर डैड? मैंने तुझे बुरा ना व्यवहार, बाहर जा पढ़ाई कर और वापस आकर बिजनेस संभालो। के डैड, मैंने आपको बताया मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। डजंट एक्साइट मी। मुझे वो चाहिए वो जो आयुष के पास है। डैड, डैड मुझे अपनी पॉलिटिकल गद्दी का वारिस बना दीजिए। डैड, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है विमान। You know what, the more you say no, the more I want to do it. तो कर ले कोशिश, लेकिन मैं तुझे सपोर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे जो चाहिए ना डैड, वो मैं पाके रहूंगा। विद और विदाउट योर हेल्प, ये जो गद्दी है ना, इस पे मेरा हक है। राजनीति की गद्दी विरासत से नहीं, काबिलियत से मिलती है विवाह, काबिलियत से। विवाह, बलदेव प्रताप सिंह, बलदेव प्रताप सिंह के सुपुत्र आयुष बलदेव सिंह, पार्टी के नए यूथ प्रेसिडेंट। जिंदाबाद, जिंदाबाद। विवान, विवान बलदेव सिंह, ये बीच में लटकता हुआ पेंडुलम। तुम लोगों को पता है ये जब लोहा लोहे को मारता है ऐसे, इतनी आवाज क्यों आती है? हाँ, जब कोई अपना अपने को मारता है ना, बहुत तकलीफ होती है। डूड, लुक बैक इन हिस्ट्री, दोज हु हैव किल्ड ब्रदर्स एंड फादर्स हैव बिकम किंग्स। व्हाट मैटर्स इज डायनेस्टी। It's yours. और विवान, हम सब है ना यार तेरे साथ। बट अब डिसीजन तुझे लेना है। हाँ, तू एक कदम बढ़ा, हम 100 कदम बढ़ाएंगे तेरे साथ। बाबा, come in. Leo, what क्या? हाँ, see, that, that. एक कदम लूंगा तो तू 100 कदम लेगा। हाँ, हाँ, ले ना, ले ना, एक कदम ले मेरे लिए, लेके दिखा। हाँ, ले हाथी। Oh my God, please just come with me. ले ना, ले ना, एक कदम ले मेरे लिए। आना, हाँ, हाँ, हाँ। How is your friendship?
साला रोज रोज वही बकवास सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया है। ओए, जब दारू उतरेगी ना तब तू आएगा हमारे पास। और सुन, ये तेरा रोज रोज का नाटक है, संभालो इसे। दूरा चले। विवान, विवान, what's wrong with you? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? Look, तुम्हारे पास सब कुछ है, all right? You don't have to play with your life. एक माँ है जो regret करती कि मुझे पैदा क्यों किया। एक बहन है who can't even stand me. एक बाप है जिसके लिए I don't even exist. Don't you think there is enough play in my life already? Huh? क्या फर्क पड़ता है कि मैं जीऊँ या मरूँ? हाँ? Stop! 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 विमान, just leave me, please. छोड़ो मुझे, छोड़ो। विमान, मेरा पैर छोड़ो। हाँ सुनील, सुनील। Just leave me, please. Viman, just leave me. I love you. I'll bury you. I don't want to. I really love you. Just leave me, please. I'll bury you. I'll bury you. सारे तारों के बावजूद रात अंधेरे से बनती है, हमारी किस्मत, हमारी राशि इन तारों से नपती है। अजीब रिश्ता है। इन तारों की तरह हम सब में आग होती है। कई चिराग बनकर दुनिया को रोशन करती है, या फिर जंगल की आग बन के रास्ते को जलाकर राख कर देती है। दिया तू एंटीडोट। हाँ, एंटीडोट, एंटीडोट की बात कर रहा है? हाँ, इतना ओवरडोज दिया था तूने? हाँ, एक इंजेक्शन से कोई फर्क पड़ने वाला था उसको? There's only one way out. हाँ, सुन, ये जिंदा बची तो भी जेल जाएंगे और मर गई तो भी जेल जाएंगे। सुन, पुलिस को इसकी बॉडी नहीं मिलना चाहिए। क्या इसको जला देते हैं क्या?
देखिए एक्सीडेंट जो है ना ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है, अगर इसे जिंदा चला दिया देन वी कैन सर्वाइव। देखकर ये लगता है कि ये एक्सीडेंट हो सकता है, और अगर ये एक्सीडेंट है आपको क्या लगता है सर, कौन कौन लोग थे और अब वो कहाँ है? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा 3 और 4 बजे के बीच हुआ, और इस हादसे में एक लड़की बहुत बुरी तरह घायल हो गई। ये हादसा कम और मर्डर और रेप का केस ज्यादा लगता है। मैं SP सारंग ये वादा करता हूँ कि इसके पीछे जो कोई भी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और इस लड़की को न्याय मिलेगा। सर यह गाड़ी मेले के बेटे के नाम है। अब नहीं मिले सर? यस सर। रेप और मर्डर का क्लियर केस लगता है ना? क्या मतलब है आपका? अगर किसी लड़की की लाश फटे हुए कपड़े में मिले तो इसका मतलब रेप और मर्डर ही है। इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। लेकिन भाई साहब प्लीज पोस्टर देख के फिल्म की कहानी मत गेस कीजिए। दिया न दिया आ गई मीडिया। विवान, विवान कहाँ है? सिचुएशन कंट्रोल में आने में बॉडी पोस्टमार्टम के लिए निकल चुकी थी। लड़की कौन है? कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है मैम, यहाँ हर बॉडी की अपनी एक अलग स्टोरी है और हर स्टोरी अपने आप में बहुत पेनफुल है। बलदेव मैं जानता हूं कि तुझे मेरी शक्ल पसंद नहीं, लेकिन क्या करें, किस्मत हमें बार बार एक साथ ले आती है। रेप किया तेरे बेटे ने और खून के इल्जाम में मेरे बेटे को भी फंसा लिया। सर दोनों बच्चों को बचाने का एक रास्ता है, गाड़ी आयुष के नाम पे। अगर हम आयुष का नाम आगे ले आए तो हमारे बच्चों से ध्यान हट जाएगा। जब काटने की औकात नहीं होना तो भौंकना भी नहीं चाहिए खत्री। विवान तू क्या कर रहा है यहां पर? दीदी वो आसमा की रिपोर्ट्स मुझे उपमा रख, वो गलती से हो गया था,
Now you can only save me, Didi. Didi, please save me. Didi, कुछ नहीं किया, ड्रग ओवरडोज हो गई थी, सब सब पागल हो गए थे. दीदी मेरी बात सुनो ना दीदी, वो गलती से हो गया था, तो मैंने उसको बचाने की कोशिश की. दीदी इनफैक्ट मैंने उससे बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता था उसको. दीदी मेरा फ्यूचर ना आपके हाथ में. दीदी प्लीज, दीदी प्लीज, मेरे को बचाना. दीदी दीदी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दीदी, सुनो खाली एक चीज कर दो मेरे लिए. वो जो है ना वो केस, उसमें ना लिख दो कि उसकी मौत ड्रग ओवरडोज से हो गई थी. दीदी प्लीज डू दिस फेवर टू मी. दीदी प्लीज, दीदी दीदी मेरा फ्यूचर आपके हाथ में. दीदी यही चाहती थी ना तू, बहुत खुश है ना तू, खुश है ना तू, बहुत मौका मिल गया ना तुझे, बहुत खुश है तू. देख 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 ये देख मेरी हालत देख, अभी क्या हो रहा है मेरे साथ. कितने सारे फॉरेंसिक डॉक्टर से ये रिपोर्ट तेरे पास ही आनी थी. रिश्ता मेरे बेटे से था, उसके अपराधों से नहीं. जो बच्ची मरी है वो मेरी भी बेटी थी. आज मेरे बेटे की वजह से एक बाप नहीं दो बाप लावारिस हो गए. इसलिए ये मेरा फैसला है कि आज के बाद विवान बलदेव सिंह लावारिस हो गया और मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, और उसका नाम है आयुष बलदेव सिंह. सच बात है कि विहान का केस आपके हाथ से फिसल गया है और पब्लिक के सामने ये ड्रामा करके आप पब्लिक की सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं. ये सिंपति है या शानपति, ये आप नहीं पब्लिक को डिसाइड कर दीजिए. सर हारो जीत क्या है आपके लिए? सर, सर, सर. मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत. सर, 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 सर. तेरा ये घर का ड्रामा अब घर घर में चल रहा है. सगे बेटे को जेल और सोतेले को सिंहासन, बेल भी नहीं करवाई तेरी. दादा हॉस्पिटल में नहीं है, हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं, लगता है शहर छोड़ के चले गए. बादशाह विवान को नहीं छोड़ेगा. सर विवान चाहिए तो बादशाह को. सारा तो मरने मरने के समय कुछ आता है कि नहीं? हाँ सजेशन है सर, टेक इट और लीव इट. गेट आउट, निकलो यहां से.
नमस्ते सर। विवान कहाँ है? बेल पे छूट गया मैम। किसने छोड़ा बेल पे? बाजवा खत्री ने। खत्री मेरे भाई को कैसे ले गया? सर वो लॉयर आया था, बेल करवाई, आपका भाई अपनी मर्जी से चला गया, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आयुष एमएलए के बेटे हैं, रेप करेंगे, मर्डर करेंगे, अब पुलिस इंस्पेक्टर का कॉलर भी पकड़ेंगे, क्या कर सकते हैं? सॉरी सर। जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल होता है। तेरे बाप ने तुझे सांप के सामने ढकेला, सीढ़ी तेरे भाई के हाथ में दबा दी। ईमान तुझे बर्बाद करने वाले तेरे खुद के अपने हैं। अगर मैं चाहता हूं मैं तुम दोनों को यूं ही इस केस से निकाल सकता हूं, ऐसे ही, लेकिन एक ही रुकावट है, तेरी बहन की बनाई हुई मेडिकल रिपोर्ट। तेरा भाई सबको ऑप्शन देता है ना, रामायण या महाभारत, लगता है इन सब ने तेरे लिए एक ही ऑप्शन छोड़ा है। टेक रेस्ट। The recent opinion poll conducted by the ABG clearly reveals that the Malihabad legislator Baldev Pratap Singh is trailing behind his opponent Mr. Pralhad by more than 20 points. The political pundits are now betting on the defeat of. बताया जा रहा है कि इस दफा के पोल की गिनती में बलदेव प्रताप सिंह के पीछे रहने का कारण कुछ और नहीं बल्कि उनके बेटे विवान के कारनामों की वजह से है। उनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने बलदेव प्रताप सिंह के होटल मैनोर की मैनेजर आसमा मलिक का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। लगता है ये सनस्ट्रोक की वजह से तेरा सारा चाम फीका पड़ गया है, और तेरा वो छोटा शेर है ना, वो मेरे पिंजरे में इतना भूखा है कि तुझे भी काट लेगा। लेकिन अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं, तेरी ये हार की दलदल से सिर्फ मैं तुझे निकाल सकता हूं। तेरे हार में मेरा इमोशनल फायदा है, लेकिन तेरे जीत में मेरा प्रैक्टिकल फायदा है। और मैं जानता हूं कि तेरी पार्टी ही जीतने वाली है, और मैं हमेशा रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट हूं, इसलिए आ जा मेरे पास, मिल बैठ के हमारे अंदर के राम को थोड़ा आराम देते हैं। बादशाह गाड़ी निकलो। बादशाह साहब। साहब मैं वो अपोजिशन 5,000 रुपए में वोटर्स खरीद रहे हैं, तो क्या पीछे हट जाते हैं? कम से कम डीजल के पैसे तो बचेंगे। पिछले 4 इलेक्शन हम कैसे जीते हैं दुर्गा? ये इलेक्शन बिल्कुल अलग है आयुष बाबा। विवान के केस के बाद ये इलेक्शन पूरा पलट चुका है। अगर हमें जीतना है तो हमें अपोजिशन से ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। दुर्गा एक बात तुम लोग कायदे से समझ लो, अपोजिशन और हम में उसूलों का फर्क है। तो अगर हम जीतेंगे तो उसूलों पे जीतेंगे, वरना नहीं जीतेंगे, मन नहीं जाएंगे हम। आयुष तुम गाड़ी वालों की पेमेंट करो, इलेक्शन की भागदौड़ मेरे पे छोड़ता हूं, ठीक है? एक मिनट। दुर्गा तुम्हारे पंचायत में कितने वोटर्स हैं? करीब 20,000।
ये लो। बलदेव प्रताप सिंह और प्रहलाद मिश्रा के बीच की टक्कर बराबरी पर चल रही है। दोनों ही पार्टी जी जान लगाकर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे एक्सपर्ट भी इस बात को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। बाबा, हम इतना डरते हैं हारने से। आयुष, पॉलिटिक्स शेर की सवारी है। एक बार उतर गए तो जान से भी हाथ धो बैठे। अभी अभी मिली ताजा खबरों से पता चला है कि अमीनाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स का झुकाव बलदेव प्रताप सिंह की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि अभी तक ये चुनाव वन साइडेड ही दिख रहा था, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या प्रहलाद मिश्रा का गद्दी पर बैठने का सपना सच होगा या नहीं, और सवाल ये भी है कि क्या बलदेव प्रताप सिंह लगातार पांचवी बार इस चुनाव को जीत पाएंगे। हम ट्रक्स के साथ हैं, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी गजेंद्र ने हमारे ट्रक्स हाईजैक करने का प्लान बनाया है, और ऐसा ही हुआ। उसके आदमियों ने हमें अचानक घेर लिया। उस मुठभेड़ में गजेंद्र का बेटा हमारे हाथों मारा गया। बेटे की मौत से गजेंद्र पागल हो गया। उसने कसम खाई। जीजा जी, क्या कर रहा तू यहाँ पे? आपसे और दीदी से मिलने आया हूँ। What's missing you guys? स्तुति, स्तुति, आ रहा हूँ। जीजा जी, बच्चे कहाँ हैं? Why are you being rude? Huh? मैं साला हूं ना आपका? चिंता मत कर, तू सनकी है या दूसरा वाला क्लाइमेक्स लिख रहा हूं मैं, बहुत अच्छा। हाँ तू सनकी है क्या? सनकी? पागल है तू? वही तो प्रॉब्लम है, मैं सनकी हूँ। आप साइकेट्रिस्ट हो, ट्रीट मी लाइक अ पेशेंट। नो, ट्रीट मी, हाँ, आई विल बी अ गुड पेशेंट, यू बी अ गुड साइकेट्रिस्ट, ओके? क्या ये जो फंगस है ना,
ना पूरे दिमाग में ना ये पूरा पूरा फैल गया है बचपन से ही, कोई समझ नहीं पाया क्या हो रहा है ये सब। मैं मार दूंगा देख तेरे को। राज भैया नहीं 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 विवान मैं मार दूंगा काम विवान मैं तेरे को मार दूंगा। I didn't mean to hurt you. I didn't mean to hurt you. I didn't mean to hurt you. पागल हो गया तू? राज, राज भैया, पागल हो गया? क्या कर रहा है तू? भूल गया हम एक ही माँ के बच्चे? हम एक माँ के बच्चे हैं, हाँ पलक, हम एक माँ के बच्चे हैं। वही मेरी प्रॉब्लम है, हम लोग एक माँ के बच्चे हैं। मैंने तुझे हॉस्पिटल में गिड़गिड़ा के बोला था ना पलक, हम एक माँ के बच्चे, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, बचाई तू? हाँ सदियों से ऐसा ही होता है, अपने ही अपनों को मारते हैं। विवान हमारी बहन है, विवान वो बस हथियार बदल जाते हैं। हर बार वोटों की काउंटिंग में अलग ही नतीजे आए और वो कलेक्टर हमारे किसी भी आदमी को अंदर नहीं जाने दे रहा। अब आपको ही बात करनी पड़ेगी। आयुष कहाँ है? पता नहीं, शाम से ही फोन नहीं उठा रहे हैं। हेलो आयुष भैया, पे किसी ने अटैक किया था, तो बच गए। कहाँ पे? आनंद थिएटर। लेकिन गुड न्यूज डैड, आपका लाडला बेटा आयुष बच गया है। डैड आपको लगता है आपके पास इतना टाइम है कि आप इलेक्शन का रिजल्ट देख पाओगे? देखो देखो ना काल, देखो देखो ना कहां लेकर आ गए आप सब मुझे। अपना कभी नहीं माना ना, अपने खुद के खून को, अपने खुद के बेटे को पागल कुत्ते की तरह सजने के लिए छोड़ दिया। फर्क नहीं पड़ता ना, ये पता है आप सबका किया ना, आपका, मेरी मां का, मेरे सौतेले भाई का। बहुत मजा आया होगा ना, enough of this complaining। आपकी बेटी को मारा, उसके पति को मारा, अभी ना आपकी बारी है। चाहिए तुझे? हाँ क्या चाहिए तुझे? पैसा, प्रॉपर्टी, बॉन्ड्स, ये ले, ये ले, ये सब तेरे लिए, इसे कमाया है मैंने। लेकिन ये राजनीति ना, तेरे बस की बात नहीं है विवान। कैसा बापू मैं? हाँ? तेरे लिए वो दो कौड़ी बाजवा के साथ हाथ मिलाया मैंने,
अपने वफादार दोस्त बादशाह के पीछे पुलिस भेजी है मैंने किसके लिए? सिर्फ तेरे लिए। और तूने क्या क्या किया? तूने अपनी बहन को मारा है। अपनी माँ की आंखों में कैसे आंखें मिलाएगा? क्या बोलूंगा तेरी माँ को मैं? बाल विमान किया है। कितने एनकाउंटर किए मैंने और उसमें कितनी सुपारी थी? सारंग ये मत भूलो कि ये भी मेरा बेटा है। बेटा पलक भी मेरी बेटी थी। उसके खूने का गम जितना तुझे है उतना मुझे भी है बेटा, लेकिन ये खून खराबा खत्म करना पड़ेगा। यहाँ खत्म तो धर्म का क्या पापा? अपने बेटे की रक्षा करना भी तो मेरा धर्म है। पिए ना बाबा, तुम आप सुनिए बाबा, अपने बेटे को बचाना है तो उस बेटे को मारना पड़ेगा आपको। जनता ने अमीनाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना उम्मीदवार चुन लिया है। एमएलए बलदेव प्रताप सिंह ने प्रहलाद मिश्रा को 32 वोटों से हरा दिया है। जी हाँ, सिर्फ 32 वोटों से। सब बकवास है, हमें बेवकूफ बनाया गया है। हर काउंटिंग में अलग रिजल्ट आ रहा है।
32 वोटों से जीतकर बलदेव जी सबको अपनी बत्तीसी दिखा रहे हैं। ये तो ट्रंप और बुश के चुनाव से भी ज्यादा बड़ी बेईमानी है। इसके पीछे कौन कौन है मुझे अच्छे से पता है और मैं उन लोगों सामने ला के रहूंगा और इसलिए मैं कल प्रदेश बंद की घोषणा करता हूँ। सर एक और जीत। बलदेव अब तुम्हें मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी कुर्सी और बेटा दोनों बचा लिए। मैंने तो अपना वादा पूरा किया और वो माइनिंग लैंड मेरा इंतजार कर रही है। सर विवान को तो सेफ जगह पहुंचा दिया है लेकिन आयुष का कुछ भरोसा नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ करे हमें सारा तुम्हें क्या लगता है बलदेव अपने एक हाथ काट देगा? सर अगर हाथ में जहर चढ़ गया हो तो काटने में ही भलाई है। अगर तुम अपनी जिंदगी में रोशनी चाहते हो तो मेरे घर की चिराग कभी बुझने नहीं चाहिए। दोनों चिराग देखो रॉबरी का केस बना के उसका केस बंद कर दिया और वो खूनी हर क्लब में पार्टी कर रहा है। जब तक वो जिंदा है आप बलदेव के लिए सिर्फ एक दुश्मन हो। ये जंग आपने शुरू नहीं किया आयुष बाबा लेकिन अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मारना है या मरना है। मार नहीं सकता।
छोटा भाई दिखा तुझे, अपने अंदर के शैतान को जगा आयुष, मार। आयुष तेरे को पावर चाहिए ना, पावर के लिए ना मारने का गुदा होना चाहिए, तू बस बोल सकता है और मर सकता है। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के साथ क्या किया? जमीन नजर आ रहा है आज तक, we'll be right back.
बलदेव, कल तुम्हारा शपथ समारोह है और तुम यहां सड़ रहे हो। अगर ऐसे ही बैठे रहे तो बहुत जल्दी तुम्हारा करियर भी बैठ जाएगा। वैसे भी तेरा बेटा तेरे से बहुत आगे निकल गया है, तेरे आधे से ज्यादा सपोर्टर अब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगले इलेक्शन में तेरे सामने तेरा ही बेटा खड़ा रहे। वक्त आ गया है कुछ करने का बलदेव, उठ जाओ पानी पियो, निकल यहां से। जब मुझे कोई भौंकने के लिए चाहिए होगा ना तब मैं तुझे बुलाऊंगा। क्या सारंग, खत्री की बात मत सुनिए सर, मैं उसकी तरह बिल्कुल नहीं सोचता। आयुष आपका बेटा है, हम सबको लगता है कि उससे आपको हाथ मिला लेना चाहिए। अब उससे हाथ मिलाने के लिए बचा क्या है? हम सबको लगता है कि उससे आपको हाथ मिला लेना चाहिए। अब उससे हाथ मिलाने के लिए बचा क्या है? अगर तुम लोग अपना काम सही करते तो आज मेरी हालत नहीं होती। सारा दर्द हो रहा है, इट्स ओके। दर्द सहना शुरू करो सारा। ये लो तुम, ये पैसा लो, ये सब तुम्हारा है सारा। ये सब तुम्हारा है सारंग। समझ गया सर। क्या समझे? मुझे इस घर में एक और डेड बॉडी लानी है। दो और। बच्चा भी। साला सटिया गया है, गिनती भी नहीं आती। हमें दो नहीं तीन डेड बॉडी चाहिए। दुर्गा भी, ताकि अगले इलेक्शन तक हमारा कोई दुश्मन नहीं बचे। दुर्गा की न्यूज सुन के वो बाहर आएगा। सुनो, बम से अगर वो बच गया तो गोली से उड़ा देना, समझे? तुम लोग उधर जाओ, इस जगह को पूरा घेर लो। मलिहाबाद ग्रेनाइट लैंड से स्टे ऑर्डर हटा दिया है। किसानों के लीडर दुर्गा की डेड बॉडी पाई गई।
हेलो सर, सर सारा प्लान उल्टा पड़ गया, बादशाह ने आके सारी गड़बड़ कर दी और सर एसपी साहब भी नहीं बचे। बादशाह ने सारा प्लान खराब कर दिया, सारंग भी गया। मैं सिक्योरिटी का इंतजाम करता हूँ, तब तक घर में टिके रहना। बात ना सिक्योरिटी की है ना बदले की, तुम यहां से निकल खतरे। रुको दादा, दादा बस हो गया, दादा बस। कुछ चीजें हमारे बस में नहीं है दादा, अब घर चलो ना, कब तक भागोगे दादा? शायद जिंदगी भर आपसे भी, अपने आप से भी, आसमान को होने का गम मुझे जीने नहीं। लेकिन एक सच जो मुझे चैन से मरने भी नहीं देगा, वफा की हद होती है बच्चा। वफादारी ने मुझे जानवर बना दिया, हमने रूह बेचकर वफादारी निभाई। या अल्लाह, चीफ, चीफ, हे चीफ, हकीकुल, हकीकुल चीफ। नहीं बलदेव, मैं जानता हूँ मैं बचने वाला नहीं, तू इलेक्शन लड़ना बलदेव। ऐसा मत बोल बलदेव, तू 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 मुझसे वादा कर बलदेव। या अल्लाह, चीफ, चीफ, हे चीफ, हकीकुल, हकीकुल चीफ। नहीं बलदेव, मैं जानता हूँ मैं बचने वाला नहीं, तू इलेक्शन लड़ना बलदेव। ऐसा मत बोल बलदेव, तू 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 मुझसे वादा कर बलदेव, तू मेरे लोगों का लीडर बनेगा ना बलदेव, तू इलेक्शन जीतेगा, तू जीतेगा शिव। मैं जानता हूँ मैं बचने वाला नहीं हूँ, तू इन गांव वालों का लीडर बनेगा ना बलदेव, मेरे बच्चों का ख्याल रखेगा, मुझसे वादा कर तू। शिव मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, शिव मैं नहीं बचूंगा बलदेव, शिव मैं नहीं बचूंगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, शिव तू, शिव मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, शिव तू मरने नहीं दूंगा। शिव, 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 तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा शिव। शिव, 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 ए बच्चा, गाड़ी रोक। बादशाह कह दे बाबा को कि शिव को मैंने मारा, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैं आपका आदमी हूं, मेरी वफादारी बाबा के साथ नहीं आपके साथ है, और ये राज बादशाह के साथ ही दफन होगा। गलत हुआ, डर था कहीं मुंह खुल गया तो ये सच सबके सामने आ जाएगा, इसी खौफ में आज तक सच कह नहीं पाया, मुंह बंद रखा, इन्हीं खामोशियों में अपनी बच्ची को पाला। वो इतनी दूर चली गई है, आज उसे लाख आवाज दूं कुछ नहीं बदलेगा, यही मेरी सजा है। या अल्लाह, यही मेरा अजाब है। या अल्लाह, thank you.
सच का सामना कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। वही तो कर रहा हूं मैं 25 सालों से। क्या हुआ? चलाइए। क्या ये सच काफी नहीं? इतना काफी है, मुझे ये नहीं पता कि मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं। मेरी सारी जिंदगी आपने मुझे रामायण और महाभारत का पाठ पढ़ाया और मैंने पढ़ा, लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान के सामने बैठा हूं जो उन सारे किरदारों से अलग, एक अजीब सा इंसान जो 25 सालों से अपने गुनाह अपने ही घर में छुपा के जी रहा है। ये महाभारत और रामायण की कहानी से बाहर निकलो आयुष। हर किरदार अपनी जरूरत के पीछे भागता है, अहंकार, भूख और लालच के लिए, और उसी लालच ने उस दिन मेरा ईमान डगमगा दिया। गलती हो गई मुझसे, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश भी की है मैंने, एक अच्छा बाप बन के, एक अच्छा पति बन के। और तू, आज तेरा जमीर जागा है? तेरे वादे पे 25 साल की जिंदगी बसाई है मैंने, और आज वो वादे को दफना कर अच्छा इंसान बन जाएगा तू? अरे जितनी गलती मेरी थी उतनी तेरी भी है बादशाह। अगर मुझे शिव को सोच समझ कर मारना था तो उस दिन मैं तुझे भी मार देता। मैंने तुम दोनों की सुपारी निकाली ये सच को दफनाने के लिए, लेकिन आज वो काम मैं पूरा करूंगा तुझे, तुझे और अपने आप को मारकर। भी अच्छा है, मैं खत्म तो मेरा दर्द खत्म। चला गोली, चला गोली। आई हूं मारने नहीं आया हूं बाबा। सच सुना? यकीन नहीं हुआ, सोचा देख लूं, लेकिन अब भी यकीन नहीं हो रहा है, वरना शायद कभी होगा। मुझे तो अपने सगे बाप की शक्ल तक याद नहीं, खुद को जानने से पहले आपकी उंगली थाम चुका था, उसके आगे कुछ पता ही नहीं। मानने की नफरत दूर की बात है बाबा, अगर आपकी किताब में हमें मारना सही है तो सही है, शुरू मुझसे कीजिएगा। बस इसकी भनक मेरी मां को ना पड़े, क्योंकि इस पूरे कहानी में ना उस किरदार ने सबसे ज्यादा खोया है। किसका जख्म भरेगा, किसका बटेगा, ये फैसला आपका है।